Hello students, how are you? I hope you all are well. Last video में हमने study किया था primary memory के बारे में. आज हम study करेंगे secondary memory के बारे में. Memory दो types की होती है. First one is primary memory and second is secondary memory. Primary memory के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ते हैं secondary memory के बारे में. पहले तो आपको बताना चाहिए secondary memory होती क्या है. सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी तो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती है. जो मेमोरी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती वो हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी. एक साइड सीपीयू रहेगा और ये है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज या फिर सेकेंडरी मेमोरी की तरह इसको बोल सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी इससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है हमारा सीपीयू. इसमें डाटा स्टोर होगा, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है. ये आपको याद रखना है. सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के साथ. वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, ये सारे हमारे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी की तरह ट्रीट किए जाते हैं ये सब. क्योंकि इनसे सीपीयू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है, डायरेक्ट उनकी बातचीत नहीं होती है. उसके बीच में एक इंटरमीडिएट पर्सन होता है. यूँ लगा लो कि दो आदमी हैं जो अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं और बीच में एक इंटरमीडिएट रख लिया उन्होंने. इसी तरीके से कि इनकी स्पीड ज़्यादा ही स्पीड डिफरेंस हो जाता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट आ जाता है. वो क्या होता है, रैम. सीपीयू तो सबसे ही फास्ट होता है, उसकी कंपैरिजन वैसे तो रैम भी नहीं कर सकता है, लेकिन इनके जो बीच में है वो रैम ही होता है. सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी के बीच में और सीपीयू के बीच में कौन रहेगा, रैम. डाटा डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू के पास नहीं जाएगा. पहले किसके पास जाएगा, पहले जाएगा ये रैम में और रैम से फिर सीपीयू के पास जाएगा. एक और मेमोरी होती है कैशे मेमोरी, वो भी मैं इसके साथ ही बता देती हूँ आपको. कैशे मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में होती है. यहाँ पे रहेगी कैशे मेमोरी. इनकी भी स्पीड में काफी डिफरेंस रहता है. सीपीयू बहुत फास्ट होता है, रैम इतनी फास्ट टाइप की मेमोरी नहीं है, तो इसलिए कैशे मेमोरी इसके पास लगा दी जाती है. और जितने सीपीयू के पास जितने पास होगी मेमोरी उतनी ही उसकी कॉस्ट हाई रहेगी और वो फास्ट भी रहेगी. ये आपको याद रखना है. सीपीयू के जितने पास उतनी ही फास्ट रहेगी वो और उतनी ही एक्सपेंसिव भी होगी वो, क्योंकि फास्ट है तो कॉस्ट उसकी ज़्यादा रहेगी. और जितनी दूर होगी तो वो स्लो होगी. जैसे हार्ड डिस्क है, वो क्या है, उसका जो एक्सेस टाइम है काफ़ी लग जाता है. सीपीयू को अगर एक्सेस करना हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ से एक्सेस करने में, और कैश से वो जल्दी एक्सेस कर लेता है. पास में है इसलिए वो जल्दी एक्सेस कर सकता है. और ये फास्ट भी होती है कैशे मेमोरी. रैम कैशे से कम फास्ट होती है और रैम से कम हार्ड डिस्क. ऐसे इनका एक लेवल क्रिएट हो जाता है. और ये साइज में छोटी होती है, फिर उससे बड़ी रैम होती है और रैम से बड़ी हार्ड डिस्क. इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी लेवल्स की, कैसे इनकी कॉस्ट और एक्सेस स्पीड वगैरह इनसे कैसे रिलेशन होता है, वो उसकी एक सेपरेट वीडियो कंप्लीट बनाऊंगी इनकी. अभी हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सेकेंडरी मेमोरी के फर्दर फोर टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप्स, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क. दोनों में मैग्नेटिक टर्म यूज हो रही है. इसका मतलब क्या है, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो मैग्नेटिक हुआ है. इसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क, इसके बाद है फ्लैश मेमोरी. यस, फ्लैश मेमोरी,
लास्ट हमारा था लास्ट जो भी हमारे पेन ड्राइव हो गया और मेमोरी कार्ड लास्ट हमारे ही आ जाएंगी पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड ये दोनों इसके अंदर आएंगे। रिमूवेबल डिवाइस इनको बोल सकते हो आप, वैसे तो ये भी रिमूवेबल है तो इसका सेपरेट हम अब देखिए। इसमें मैग्नेटिक टेप्स सबसे पहली जो टर्म है वो है मैग्नेटिक टेप। अब एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है इनकी। मैग्नेटिक टेप ये कुछ इस टाइप की दिखती थी, यहाँ पे एक होल होता है और ऐसे ऐसे कुछ, और यहाँ पे इसके ऊपर टेप ऐसे टेप होती है ऐसे एक रील की तरह लिपटी हुई होती है और एक साइड वो ऐसे 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 सर्कुलेट होती है। वो जब डाटा रीड करेंगे तो ये इधर से इस साइड आ जाएगी ऐसे करके। ये पहले यूज होती थी, अब बहुत ही कम यूज होती है, अब तो होती नहीं है ये मैग्नेटिक टेप। इनमें क्या करते थे हम, जैसे सॉन्ग्स इनमें हमने ऐड कर लिए तो हमें इसमें 10 सॉन्ग है और हमें सुनना है 5वां सॉन्ग सुनना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि अभी जो है वो फर्स्ट सॉन्ग पे है, डायरेक्ट आप 5वें सॉन्ग पे नहीं जा सकते। आपको कैसे जाना पड़ेगा, सीक्वेंसली जाना पड़ेगा, पहले फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ पे जाओगे आप। ये नहीं है कि जंप नहीं कर सकते आप इस पे, इसमें जंप नहीं कर सकते आप, इसमें सीक्वेंशियली एक्सेस होती है, सीक्वेंशियली एक्सेस ऑफ डेटा। डेटा कैसे एक्सेस होगा, क्या स्टोर है, सॉन्ग भी स्टोर है तो वो भी एक तरह से हमारा डाटा ही है, तो वो डाटा कैसे एक्सेस किया जाता है, सीक्वेंस में सीक्वेंशियली एक्सेस किया जाता है डाटा। मैग्नेटिक डिस्क के क्या टाइप आ जाएंगे फर्दर, फर्स्ट इज SDD, सेकंड हमारा आ जाएगा SDD, ये हमारा पेन ड्राइव और मेमोरी इसी में आएगा, फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, क्योंकि इसमें हमारी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। इसके बाद जो हमारा है ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर क्या आ जाएंगे, CD, DVD और ब्लूरे, ये होती है CD, DVD एंड ब्लूरे डिस्क। अब देखिए मैग्नेटिक डिस्क में क्या होगा, दो टाइप की होती है इसके अंदर, हार्ड डिस्क ड्राइव, SDD की फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें क्या है, स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है, स्टोरेज इसमें लगभग TB में होती है, टेराबाइट में, 1 TB, 700 GB या 250 GB, 256 GB इस तरीके से होती है, इतना इतना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, इतनी बड़े बड़े, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की कि इसको हम वैसे यूज़ किस लिए करते हैं, बैकअप के लिए। रैम जो होती है वो क्या होती है, वोलेटाइल होती है, उसमें डाटा स्टोर नहीं होता है, तो हमें डाटा को स्टोर भी करना होता है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा होता है या फ्यूचर में हमें यूज़ करना हो उस डाटा को, तो कहाँ पर स्टोर करेंगे हम, किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में उसको स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी एक डिवाइस में जो यहाँ पे हमने दे रखे हैं, इनमें से कोई भी हम डिवाइस यूज कर सकते हैं मेमोरी को स्टोर करने के लिए, और ये परमानेंट होते हैं सभी के सभी। जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे रैम क्या थी, वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी थी, और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को, दैट इज ऑक्सिलरी मेमोरी, इसको आप याद रखेंगे ऑक्सिलरी मेमोरी।
इट इज ऑल्सो नोन बाय ऑक्सिलरी मेमरी, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमरी। फ्लैश मेमरी में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, पेन ड्राइव और मेमरी कार्ड। पेन ड्राइव क्या है, पहले तो हमारे क्या यूज होते थे, मैग्नेटिक टेप्स यूज होती थी, सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क ये सब यूज होती थी, लेकिन अब जो आ गए हैं, अब जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो हमारी पेन ड्राइव है। ज्यादातर जो ट्रेंड चल रहा है पेन ड्राइव का, मेमोरी कार्ड का। मेमोरी कार्ड एक चिप के फॉर्म में होती है, इस तरीके से दिखेगी, जो आप फोन में भी इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए एक मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर होता है, उसमें लगा के आप फिर पोर्ट में डालकर उसको रीड कर सकते हैं। और पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव एक इस टाइप का डिवाइस होता है, देखिए ये ऐसा रहेगा। ये भी क्या है, हमारा सेकंड स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंटली डाटा इसमें स्टोर रहता है, जो हम ऐड करते हैं वो हम बाद में भी रीड कर सकते हैं इसमें से, और कुछ राइट भी कर सकते हैं इसमें। तो ये भी हमारा काफी स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनकी भी, 8 GB, 4 GB, 16, 32, 64 ऐसे होता है। स्टोरेज काफ़ी हाई होती है इनकी, मेमोरी कार्ड की और पेन ड्राइव की। और हार्ड डिस्क ये हो गया। SSD क्या है, SSD हमारा है सॉलिड डिस्क ड्राइव, SSD होता है, सॉरी सॉलिड स्टेट, SSD सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट डिस्क। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है हार्ड डिस्क और SSD में, डिफरेंस हमारा बेसिकली यही होता है कि SSD जो है वो इसका नेक्स्ट वर्जन लगा लो, SSD हार्ड डिस्क का नेक्स्ट जो वर्जन है, यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है SSD में। ये क्या है, फास्ट होती है इसमें एक्सेस, और स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें, टेराबाइट में, और एक्सेस इसमें क्विकली डाटा एक्सेस कर सकते हो आप, परमानेंट स्टोरेज होती है। हार्ड डिस्क में हमारे फ्लोटर्स वगैरह लगे होते हैं, जो फ्लोटर्स लगे होते हैं उसके अंदर ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के अंदर फिर सेक्टर होते हैं, और स्पिंडल लगा होता है, रोटेट करके वो डाटा को स्टोर करता है और रिट्रीव करता है। तो इसमें नॉइज क्रिएट होती है, आवाज़ भी आती है हार्ड डिस्क से, लेकिन इसमें कोई आवाज़ नहीं आती क्योंकि ये चिप की फॉर्म में होती है, जैसे रैम होती है उस तरीके की बनी होती है, उसके ऊपर ICs लगे होते हैं, ऐसे दिखता है, तो कोई रोटेशन का काम नहीं है इसमें। क्या है, बेटर है, यानी कि हार्ड डिस्क से बेटर होती है SSD। और इनसे पहले क्या इस्तेमाल होती थी हार्ड डिस्क, इनसे CD यूज होती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। व्हाट इज CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल डिस्क में, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, एक ही साइड, इसमें हम एक साइड में ही स्टोर करते हैं, और DVD दिखने में तो सेम होती है लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इससे CD से हाई होती है, हाई कैपेसिटी होती है इसकी, ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है क्योंकि दोनों साइड स्टोरेज होती है इसके अंदर। और जो ब्लू रे होती है इसमें ट्रिपल लेयर होती है, ब्लू कलर की होगी ये, और ऑप्टिकल रेज यूज़ करती है, ये ऑप्टिकल रे का इस्तेमाल करेगी, और दोनों साइड डाटा, सॉरी 3 लेयर्स होती हैं इसमें, डाटा कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मान लो इसकी रहेगी हमारी 700 MB तक CD में डाटा स्टोर हो सकता है, और DVD में अप टू 24 GB तक हो सकता है, और ब्लू रे में तो 120 GB तक भी डाटा स्टोर हो सकता है। तो सबसे हाई जो है वो ब्लू रे डिस्क की। और ये था हमारा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में
डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया। अगर कुछ रह गया हो कोई टॉपिक तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैशे मेमोरी, और जो मेमोरी का कोई भी टॉपिक अगर बचा होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।